तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि कलर नेम को यूज़ करके हम किस तरह कलर्स यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आरजीबी वैल्यू स्टडी करेंगे। आरजीबी का मतलब है रेड ग्रीन एंड ब्लू। रेड ग्रीन एंड ब्लू प्राइमरी कलर्स हैं और दुनिया का कोई भी कलर इन तीनों कलर्स को मिला के बनाया जा सकता है। अगर आप इंटरनेट पर लिखें W3 स्कूल्स कलर मिक्सर, तो आप इस वाले लिंक को क्लिक करें। मैंने ये ऑलरेडी खोल लिया है। इसमें आप देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन है रेड, सेकंड है ग्रीन और थर्ड है ब्लू। और आप इन रेड ग्रीन और ब्लू की वैल्यूज को चेंज करके आप डिफरेंट कलर्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप तीनों को मैक्सिमम वैल्यू देंगे, मतलब 255, तो अगर मैं इसको भी 255, इसको भी और इसको भी 255 वैल्यू दूं, तो ये हो जाएगा कलर वाइट। और अगर मैं सबको ज़ीरो वैल्यू दूं, तो हमारे पास कलर बन जाएगा ब्लैक। इन तीनों की मिनिमम वैल्यू होती है ज़ीरो और मैक्सिमम वैल्यू होती है 255, और उसके दरमियान आप कोई सी भी वैल्यू सेट करके डिफरेंट कलर्स जनरेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ कलर्स अवेलेबल हैं, मतलब आप इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करके आप डिफरेंट कलर्स बना सकते हैं। तो जिस तरह हमारे पास यहाँ पे कलर नेम्स में बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज थी, यहाँ पे आपके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। आरजीबी वैल्यू आप किस तरह देते हैं? आप लिखेंगे आरजीबी, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो पहली वैल्यू होगी वो होगी रेड कलर की, जो सेकंड वैल्यू होगी वो होगी ग्रीन, और जो थर्ड वैल्यू होगी वो होगी ब्लू। अगर आप रेड को दे रहे हैं 138 और ग्रीन और ब्लू की वैल्यूज़ आप ज़ीरो कर दें, तो आपके पास प्योरली रेड कलर होगा। और आप इसकी वैल्यू ज़्यादा या कम करके रेड का शेड चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह अगर मैं सबको ज़ीरो रख के ग्रीन की वैल्यू इंक्रीज करूं, तो आपके पास डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन आएंगे। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो सिर्फ सेकंड वैल्यू चेंज हो रही है, विच इज़ ग्रीन। इसी तरह अगर मैं ब्लू की वैल्यू चेंज करूं, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू आएंगे, और ऊपर सिर्फ और सिर्फ थर्ड वैल्यू चेंज होगी। तो अगर हम अपने कोड पे वापस आएँ, तो यहाँ पे भी हमने एग्जैक्टली इसी तरह से आरजीबी वैल्यू दी है। हमने यहाँ पे यूज़ किया है आरजीबी, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर हमने रेड की वैल्यू दी है ज़ीरो, तो इसमें रेड का कंटेंट है ज़ीरो। ग्रीन की वैल्यू दी है हमने 199, तो सिंस ग्रीन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो इस कलर का ग्रीन शेड सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और ब्लू की वैल्यू थोड़ी सी कम है। अगर मैं ब्लू की वैल्यू इंक्रीज कर देती हूँ, जैसे अगर मैं ब्लू की वैल्यू दे देती हूँ 250, तो इसमें ब्लू का कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं इसमें थोड़ी सी रेड की वैल्यू भी दे देती हूँ, जैसे 250, तो ये कलर हो जाएगा पिंक, क्योंकि इसमें अब रेड का शेड भी इंक्लूड हो जाएगा। और अगर हम इसे सेव करके अपना वेब पेज रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट कलर लाइट पिंक हो जाएगा, और इसकी आरजीबी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले भी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हेक्स के बारे में पढ़ेंगे।